नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर कोई नंबर 100 के नियर अबाउट हो उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 96 100 से 4 कम है, 9400 से 6 कम है, 6 लिखें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 94 में से 4 माइनस करेंगे 90 हो, और 96 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 90 हो। इसी सेम 90 को यहां लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। 97 × 92, 97 100 से 3 कम है, 3 लिखें। 92 100 से 8 कम है, 8 लिखें। इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि 92 100 से कम है इसलिए 3 को माइनस करेंगे, 89 आएगा। अब 97 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 89 है। इसी सेम 89 को यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, ये नंबर 100 से ज्यादा है, पहले वाला 100 से कम था, ये लेकिन 100 से ज्यादा है, इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ये नंबर 100 से 4 ज्यादा है, 4 लिखेंगे। ये 100 से 7 ज्यादा है, 7 लिखेंगे। इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, लिख देंगे। क्योंकि ये नंबर 100 से ज्यादा है इसलिए 107 में 4 को ऐड करेंगे तो 111 होगा, और 104 में 7 को ऐड करेंगे तो भी 111। यही सेम 111 को यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।